30 तारीख को श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का सम्मेलन है, रैली है रानी लक्ष्मीबाई के सम्मान में, जो उनके ऊपर एक पिक्चर बनाई जा रही है मणिकर्णिका का पिक्चर, जिसका करणी सेना विरोध यहीं से शुरू करेगी, क्योंकि उनकी ये पृष्ठभूमि रही है, उनकी यहाँ पे जन्मभूमि रही है, उनकी यहाँ पे कर्मभूमि रही है, इतिहास जिनका इतना गौरवशाली रहा है। एक बार कमल जैन उसका नाम है, उसने एक बार पुनः ऐसी पिक्चर बनाया जिससे भारत की अस्मिता, भारत की इतिहास, भारत की परंपरा का दोहन किया जा रहा है। इसलिए एक बार पुनः करणी सेना भारत के इतिहास, भारत के आत्मसम्मान के लिए, नारी सतीत्व के लिए एक बार पुनः संघर्ष करने के लिए तैयार है। और मैं सभी फिल्म कहना चाहता हूँ कि जैसे पद्मावत के लिए संघर्ष हुआ था, उससे कहीं बड़ा संघर्ष होगा। इसलिए मुझे सरकार से और भारत सरकार के सभी बड़े पदाधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि तत्काल प्रभाव से इस पिक्चर को रोका जाए, नहीं तो उसके बाद फिर आने वाली पीढ़ियों पे ये दोष ना दिया जाए कि हम लोगों ने संघर्ष किया। संघर्ष जब भी होता है तो कहीं ना कहीं इतिहास रचा जाता है, और इतिहास रचने के लिए करणी सेना जानी जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है, जितने भी फिल्म इंडस्ट्री से लोग जुड़े हैं, ये विरोध जो करणी सेना कर रही है, ये सवर्ण समाज का नहीं, हिंदुस्तान के 135 करोड़ आबादी का संघर्ष है। क्योंकि हमने इतिहास पढ़ा है जिसमें ये बोला गया है झांसी के रानी के बारे में कि बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और ऐसी महान हस्ती जिनका इतिहास में वो गौरवशाली इतिहास दर्ज है, जिन्होंने अपने बेटे को अपने कंधे पे बांध के युद्ध लड़ा पति के मरने के बाद भी, और ऐसी शख्सियत से किसी अंग्रेज के साथ प्रेम प्रसंग दिखाना कहीं ना कहीं मानवता का चीरहरण किया जा रहा है।